आपके सामने जो कैलकुलेशन का जो एक वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आपका न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। और एकदम बेसिक देखिए, मैंने सवाल को लेकर मैं छोटे छोटे पार्ट आपका सवाल का बताता था, मतलब न्यूमेरिकल का, लेकिन उसमें क्या था, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आपको थोड़ा सा सवाल को लेकर के लगाएं, तो हमें समझ में आया अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं सवाल को लेकर के ही लगा रहा हूँ, सवाल आपके सामने दिखाई दे रही होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये है आपकी सवाल, तो इसको हम चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सवाल आपकी है। यहाँ पर देख लीजिए सवाल में आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी गई है। यहाँ पर देखिए कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में आपका 6000 इंगस्ट्रांग यहाँ पर दिया गया है, देखिए 6000 इंगस्ट्रांग ये दिया गया है। तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों में 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी, कैसे हमें सवाल को पकड़ना होता है, हम सारा चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको सवाल में क्या कहती समझ। पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई, क्या चौड़ाई, चौड़ाई हमारी इतना सेंटीमीटर दी जा रही है, इतना सेंटीमीटर। और इसी ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कितने 6000 एंगस्ट्रांग पर, लेकिन फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रांग का तरंग दैर्ध्य हो एंगस्ट्रांग में, तो प्रकाश का प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, मतलब फिर से हमारा चौड़ाई। ये रही हमारी सवाल यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए पूरा कंप्लीटली, इसको हम यहाँ पर चलते हैं आपको लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। ये रही अपनी सवाल, तो सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इसको हमें कैसे लगाना है, ये सारा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं, और अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं कोई बात, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें। इसको हम पहले पूरा पूरा छोटा कर लें, थोड़ा सा आप छोटा हो गया ना, आप ठीक रहे। चलिए देखिए इसको कैसे हमें लगाना है, सबसे पहले इसका हमारा जो प्रोसेस है उसको हम सारी चीज़ें समझाते हैं। हमें इसमें जो चीज़ें लिखी हैं पहले इसको देखना है क्या 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 चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे देखते हैं हमारा ये जो देखिए 6000 इंगस्ट्रांग दिखाई दे रहा है, 6000 इंगस्ट्रांग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है ये क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, क्या बोला जा रहा है, ये हमारा तरंग दैर्ध्य। हम इसको तरंग दैर्ध्य का हमारा जो चिन्ह होगा, तरंग दैर्ध्य हम लिख सकते हैं किसका तरंग दैर्ध्य, इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम चिन्ह के रूप में लिखें तो ये हमारा लैम्डा हो जाता है, क्या हो जाता है, लैम्डा, ठीक है। ये हमारा हो गया लैम्डा, हमारा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली है, जब आपका एंगस्ट्रॉम है और सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं सेंटीमीटर मीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर मीटर में एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में हमें चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज कितनी होती है उसको समझना है। 6 को 6 लिखिए, इस 3 जीरो को आप अलग कर सकते हैं ऐसे, 6 की घात 3, बोलो सही है, सही है ना, कैसे देखिए, ये हमारा 6 को मैंने 6 लिखा और 10 की घात 3 लिखा, मतलब 1000 है इसमें, 3 जीरो है तो 3 घात लिख दी। अब यहाँ पर इसको और तरीके से बदल सकते हैं, तो 6 गुणा 10 की घात 3 और गुणा एंगस्ट्रांग की वैल्यू होती है 6 घात -10। एकदम डिटेल बता रहा हूँ आपको, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है मैं बताऊंगा। तो 6 गुणा अब यहाँ पर 10 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये -10, तो टोटल अब ये घटा के प्राप्त करने वाले हैं 6 गुणा 10 की घात -7। हमें डायरेक्ट इसको परिवर्तन करके ये लिखना है, ये तो हमने समझाने में इतना आपको व्यर्थ किया, यहाँ पर ये लिखना है और सीधा इसके बाद हमें मीटर लिखना है, क्या लिखना है, मीटर, ठीक है। अब हमारी अगली वैल्यू जो दी रही है वो दी जा रही है यहाँ पर, क्या दी जा रहा है, यहाँ पर प्रकाश के लिए स्लिटों की इतना मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस डी दिया जा रहा है, क्या हमारा डी, डी हमारा कितना है, वो हमारा 1 मीटर दिया गया, कितना दिया गया, 1 मीटर दिया गया, ठीक है 1 मीटर। अब मीटर मीटर में है, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, अगर ये भी सेंटीमीटर मीटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा वैल्यू इसमें जो मेरे है यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई विड्थ मतलब डब्ल्यू हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा कितना है, डब्ल्यू हमारा 0.06, और किसमें है इसको देखते हैं, तो ये हमारा किसमें है, सेंटीमीटर में, किसमें है, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए, सेंटीमीटर में, ठीक है ये सेंटीमीटर, और इसका कन्वर्ट हमें डायरेक्ट ये लिखना है। अब बताइए इसमें सेंटीमीटर, ये मीटर, ये मीटर, अभी यूनिट बराबर है, देखिए इसको समझ में आने में दिक्कत होती है कि हमें यूनिट को सेम यूनिट में करना है ना, तभी तो वैल्यू निकलेगी। अब कोई चीज घंटा में निकाले, कोई मीटर निकाले, कोई सेकंड, तो क्या बराबर, कुछ
कुछ नहीं होगा। तो हमें सारी चीजें सेम करना है, ये सेंटीमीटर इसको मीटर बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं? मीटर में। अब देखिए सबसे पहला काम समझते हैं कि 1 मीटर में 10^2 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर, ये समझिए। यही तरीका अगर इस तरीके से होता कि 1 सेंटीमीटर में तो 10^-2 मीटर होता है, 10^2 मीटर होता है। अब यही काम करना है, इसको ऐसे ही बदलना है, इसको ऐसे ही बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो ये हमारा प्राप्त कैसे हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू निकल के ये जाएगी। देखिए हमारा ये 0.6 है, समझ में आई बात। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें भाग करना है, इसमें इसको हमें भाग करना है, ठीक है। इसमें हमें करना है कैसे, देखिए एक तो इसमें हमें 2 दशमलव इधर भी है, इसको हमें दशमलव ये आएगा, तो टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा इधर, क्योंकि इसमें माइनस में होता है। हमें 0.06 में गुणा करना है किसका, 10^-2 का। परंतु ये वैल्यू अभी करेंट वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जब इस दशमलव को हम 6 के बगल लेकर आएंगे, मतलब 6 के पार कर देंगे, ये यहाँ पर कर देंगे इस तरीके। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझना, इसको कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा 10^2, ये जो 2 है ये, और ये जो दशमलव हटाएंगे इसका भी, तो हमें दशमलव हटाने के लिए क्या काम करता है, दिमाग लगाइए। जिसको दशमलव हटाना है ऐसे, 2 पे दशमलव, इधर हम 100 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 100। 100 का मतलब आप समझ सकते हैं 0. इसको हटा दीजिए, अब इसको कोई जरूरत नहीं क्योंकि दशमलव हटाने मैंने 100 लगा दिए, तो हमारा ये हो जाएगा 10^2, और यही ऊपर जाएगा तो 10^-2, ये बन गया ई माइनस में, मतलब हमने दशमलव हटाया, 10^-2 ये, और ये 10^-2 वो वाला, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 6^-10^-4, ये हमें मिल जाएगा। देखिए हम एकदम बेसिक बता रहे हैं, इस तरीके से इतना बेसिक कोई बताने वाला नहीं है। अगर हमारी बात से सहमत है तो आप कहिए सर सही कह रहे हो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये 4 कैसे हुआ, ये आपके सवाल हम आपकी बुक से ही लिए हैं, ऐसा नहीं मैं बाहर से लिया हूँ। ये आपकी 2 चीजें मिल गई, 2 चीजें मिल गई, बस हमें एक एक चीजें करके वैल्यू रख करके हमें लगाना है। अब हमें डब्ल्यू वाला सूत्र लगाना है, डब्ल्यू वाला सूत्र जो फार्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर होता है डी लैम्डा अपान छोटे स्मॉल डी, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, तो जब इसको हम परिवर्तन करते हैं तो डी बराबर हमारा डी इधर जाएगा, डब्ल्यू इधर जाएगा, मतलब डी का लैम्डा अपान डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है ये, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ, अब इस पर वैल्यू रखते हैं, तो 1 गुणा में डी का मान हमारा 1 है यहाँ पर मिला है, और इसका लेमडा का मान 6^10^7 कितना है, -7 है, इसको यहाँ पर रखें। ये डब्ल्यू का वैल्यू हमारा 6^10^-4 है, इसको आप 6 से 6 काट सकते हैं, अगर आपको काटना आता हो तो इसको काट नहीं सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल कर दिए, इसमें से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने के बाद इसको हम विपरीत लिख सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ बचा नहीं है, एक बचा है, तो एक के बगल हम इसको, ये 7 घात है और ये 4 घात नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से। तो सीधी बात हमारा यहाँ 10^7 + 4 चला जाएगा तो -3 बचेगा, कितना बचेगा, -3। अब एक जो है ये एक माने कुछ नहीं, एक आप चाहे लिखो या ना लिखो, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप लिख सकते हैं 10^-3, ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, इतने का आंसर हमारा आ जाएगा। ओके बात समझ में आई, समझ में आ गई, बस इसी तरीके से आपको हल करना है। अभी दूसरा आंसर जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह जो है इसी जगह बता देते हैं, देख करके देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, छोटा कर दूँ, थोड़ा सा आ जाएगा लगता है। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं तो आ जाएगा, जाएगा इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बस हो गया, अब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम इसको, इसका जो पूरा पोर्शन लगाते हैं, जो पूरा पोर्शन कैसे है इस तरीके से, देखिए अब इसमें ये सारी चीजें होंगी। एक सवाल का हमारा प्रारूप यहाँ पर हो गया, इसका हमारा पूरा काम एक मतलब हो गया। अभी हमें बोला जा रहा है यहाँ पर इसी स्थिति में, यहाँ सभी निकालना है इसी स्थिति में, इस स्थिति में अभी उनका किस पर निकालना है, लैम्डा बराबर हमारा कितना हो, हमारा इसमें 5000 कितना हो, 5000 इंगस्टांक। अब 5000 इंगस्टांक को आप बदलने में दिक्कत होगी नहीं, आप बदलेंगे डायरेक्ट, जैसे इसको बदला गया सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे, तो 5 लिखेंगे गुणा 10^3 ये है, और 10^10 इंगस्टांक हटाएंगे तो 3 घट जाएगा तो 7 बचेगा और मीटर में आ जाएगा। कैसे निकला आप समझ सकते हैं, इसको पूरा चीजें समझ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अगर निकालते हैं अपना डब्ल्यू,
निकालते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर निकालेंगे, पता है आपका डी वाई, पूरा फार्मूला वही, डब्ल्यू बराबर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना मिलेगा, 1 × 5 × 10 की घात हमारा -7 बटा में हमारा क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर कर देगा, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है, बटा में डी है, बटा में स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई यहाँ पर, इतना निकल गई है, तो इसको हम 10 की घात -3 कर देते हैं, 10 घात में, अब इसमें 5 है, 1 × 5 = 5 ही होगा, 1 × 5 = 5 ही होगा, 5 लिख दिए, 1 × 5 = 5 ही होगा, और गुणा 10 की घात कितना बनेगा, देखिए ये 3 जाएगा ऊपर तो प्लस होगा, मतलब 7 + 3 घट जाएगा, तो हमारा -4 बचेगा, सीधे शब्दों में इसको हम ऐसे भी काट भी सकते हैं, मानने पर काटना मत, ये काटता है, कटता नहीं, ये हमारा आंसर इतना आ गया। अब इसको देखते हैं तो हमारा ये कितना जा रहा है, ये हमारा जा रहा है मीटर में, किसमें आ रहा है, मीटर में, यही चीज अगर आपको देखते हैं तो ये हमारा वैल्यू मतलब किसे प्राप्त होगी, इसको हम देखते हैं, तो देखिए इसको कैसे क्या करना है, इसको तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, कलर चेंज कर लें ताकि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देती रहे। देखिए ये हमारा, इसको हम बदलेंगे, इसको क्या करेंगे, बदलेंगे मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे, अब दिमाग डालिए, 5 × 10 की घात -4 है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसको सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर, हम इसमें करेंगे अपना 10 की घात -2 से, इसमें क्या करेंगे, 10 घात माइनस, देखिए यहाँ पर मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हमें 10 घात 2 से गुणा करना, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना, सॉरी इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर में 10 घात 2 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये इसको कट कर देता हूँ, ये होता, अब यहाँ पर देखिए इसको जब ये करते तो 4 था इसमें, अब इसमें हमारा 4 था, तो हमारा इसको क्या करते, इसमें से हम 2, इसमें से जिसे, इसमें से हमारा 2 अंक इधर चला जाएगा, 4 है तो इसमें घटा दीजिए, तो हमारा 5 की घात कितना बच जाएगा, 5 की घात हमारा बच जाएगा 10 की घात 2, कितना बच जाएगा, ये हमारा प्लस में 2 है तो -2 बच जाएगा, बच जाएगा ना, कैसे देखिए 4 घात में 2 घात घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये सेंटीमीटर, अभी तो ये बदला हुआ है, लेकिन अभी को अकेले सेंटीमीटर यहाँ पर इसको सेंटीमीटर बदल सकते हैं ना, देखिए ये हमारा यहाँ पर इतना था, हम इसको क्या करते हैं, 5 × 10 की घात जो ये हमारा 10 घात 2 है ना, इसको मैं अभी ये -2 को भी इसमें ऐड कर दूं तो कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, देखिए इस तरीके से 2 अंक है ना, मतलब माइनस में है तो 2 अंक इधर आएगा, ये 0.2 अंक इधर और आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से अभी प्रोसेस में था, यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल की हमने पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है, पूरा एकदम बेसिक से समझा दिया है, इसी तरीके से अगर सवाल समझाना हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, और हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और सारी वीडियोज को एक बार विजिट करिए, सारे सवाल हम अच्छी तरीके से ला रहे हैं, सारे PDF भी दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मास्टर मोहित टेक चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंकें मिलेंगी, फेसबुक चैनल को भी सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरीके से एकदम हम छोटी छोटी एक एक सवाल बताएंगे ताकि आपको एकदम से समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो आप रिस्पॉन्स दे दें, बाकी एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, बेसिक से सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर समझा है, यही सारी चीज़ें की बेसिक क्लास हमारे चैनल पर है, तो प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ओके फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए आपको।